सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? सो क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या है उनके थॉट्स आपको लेकर के, क्या है उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, जानने की कोशिश करते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनके मन में। सो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, जितना पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखेगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। सो व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। और ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपको लेकर के क्या है। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में। सो आप इमेजिन कीजिए अपने पर्सन का इमेज और नाम अपना दिल में 3 बार रिपीट कीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज हैं तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट कार्ड हम निकाल लेते हैं। आई एम मैडली एंड डीपली इन लव विद यू। सो फर्स्ट मैसेज आपके लिए निकल करके आया है आपके पार्टनर का। सो आई एम मैडली एंड डीपली इन लव विद यू। सो बहुत डीप लव उनकी तरफ से आपके लिए आ रहा है, फील करते हैं आपके लिए। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू। सो आपके बारे में ही ड्रीम्स आते रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर मिनिमम कॉन्टैक्ट में हैं, पर सब चीज़ों के बावजूद भी आपके पार्टनर आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। यू आर द मोस्ट जेन्युइन पर्सन आई हैव एवर मेट बट दैट स्केयर्स मी। सो अब रियलाइजेशन हो रहा है आपके पार्टनर को या उनके दिमाग में ये थॉट ज़रूर है कि आप बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन हैं और आप कहीं ना कहीं आपकी जो ये लॉयल्टी है, आपकी ईमानदारी है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो कभी कभी उस चीज़ से घबरा जाते हैं। आपका प्यार देख करके, आप जिस तरीके से डिवोटेड हैं प्यार के लिए, कभी कभी उनको डर लगता है आपके प्यार से। आई एम टू अशेम टू कम बैक राइट नाउ, आई हेट दैट आई हर्ट यू। सो अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, कुछ चोट पहुंचाई है, कुछ आपसे गलत बोल दिया है, सो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहे हैं और खुद से हर्ट फील कर रहे हैं। खुद से उनको ऐसा लगता है कि उनको खुद से नफरत हो रही है कि उन्होंने आपको चोट पहुँचाई, आपसे गलत बात बोली, आपको गलत बोल दिया है। सो वाओ, सो यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं जिससे वो मिले हैं। आपका दिल भी बहुत सुंदर है, आप खुद भी बहुत सुंदर हैं और कहीं ना कहीं आपका प्यार उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू। सो देखिए बार बार ये कार्ड आ गया है, ये फिर से रिपीट हो रहा है कि आई हैव हर्ट यू। सो डेफिनेटली यहाँ पर खुद से बहुत ज़्यादा उनको गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, चोट पहुँचाई है और आपको तकलीफ़ दी है। उस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो चलिए और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो कुछ आपके यहाँ पर पहले मैं एनर्जीज़ लेना चाहूँगी कि आपकी तरफ से क्या आ रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, बजरंग बली, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या व्यूअर्स की एनर्जीज़ यहाँ आ रही हैं। एक्सपीरियंसिंग, ओके, और देख लेते हैं द रिबेल, हीलिंग, पोस्टपोनमेंट, पार्टिसिपेशन, गाइडेंस। ओके, लास्ट देख लेते हैं वी आर द वर्ल्ड। ओके जी, सो डेफिनेटली देखिए ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके लिए आपका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी आर द वर्ल्ड, आप कहीं ना कहीं आप इस इंसान में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि आप इनको अपनी दुनिया मान चुके हैं, आप इनको अपना सब कुछ मान चुके हैं। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एफ़र्ट्स डालें, आपके लिए ये इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इसका प्यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्यार को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने इनपुट डाली हैं, एफ़र्ट्स डाले हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप
काफ़ी कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोगों को, हाँ आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर नो कांटेक्ट मिल चुका है। नो कांटेक्ट मतलब आपके पार्टनर ने या तो आपसे बात करनी बंद कर दी है, या फिर किसी ने आपके पार्टनर के कान भर दिए हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्तों में है। सो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा टालने की कोशिश कर रहे हो। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है कि आप चीज़ों को अभी रोक रहे हो और आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा सा और टाइम दे देना चाहिए रिश्ते को, अगर सामने वाला भी तैयार नहीं है कमिटमेंट के लिए, साथ देने के लिए। सो थोड़ा सा एक गैप लेना चाहिए, थोड़ा सा एक पोस्टपोन कर देनी चाहिए चीज़ें। और पहले हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, ठीक है, आप कमिटमेंट मांग रहे थे, आप वादे मांग रहे थे, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे भाग रहे थे, या आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं आप दोनों की लाइफ में जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसकी वजह से अभी आपके पार्टनर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अशेम फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, राइट? तो शर्मिंदगी ज़रूर हो रही है उनको कि उन्होंने आपको चोट पहुँचाई है, हर्ट किया है। उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर आप भी काफ़ी ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना? और क्योंकि आपने जो भी इस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया है ना, उस एक्सपीरियंस ने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है, राइट? और अब यूनिवर्स से आप गाइडेंस लेना शुरू कर दिया है आपने, काफ़ी कुछ आप स्पिरिचुअल होते चले जा रहे हैं। आपका मानना ये है कि जो ईश्वर कर रहा है वो सब कुछ ठीक है, और अगर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं तो वो चीज़ें ईश्वर ही ठीक करेगा, यूनिवर्स ही ठीक करेगा। सो गाइडेंस डेफिनेटली आपके लिए यही आ रही है कि थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए, पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दीजिए, कहीं ना कहीं अपने को इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं और इस तकलीफ़ से नहीं निकल पा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर वेट करवा रहे हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर अपनी लाइफ के लिए और पॉजिटिव गोल्स सेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, अगर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो हो चुकी हैं, तो खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए समय से बड़ा कुछ नहीं होता। सो जब तक समय नहीं आएगा तब तक चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी, राइट? सो समय का इंतज़ार करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि समय हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको हीलिंग की अभी ज़रूरत दिखाई दे रही है। सो आप हील कीजिएगा खुद को और मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका मन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे उदास और परेशान कई लोगों के केस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो अब जान लेते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है, इस कनेक्शन में आगे और क्या होने वाला है। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या इनके पार्टनर के मन में क्या है उनकी फीलिंग्स, इनको लेकर के क्या सोच रहे हैं वो। ओके जी, क्योंकि देखिए आपके मन की बात तो यहाँ पर हमने देख ली कि आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, और आप उनको तो अपनी दुनिया मान ही चुके हैं, और उनके अलावा भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, दिन रात आपको तो उनका ख्याल आ रहा है। देखते हैं आपके पार्टनर का क्या हाल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक इमोशनल बॉन्ड आपके साथ यहाँ पर उनका ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो थोड़ी सी यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ सेंसिटिव कोई मुद्दा छिड़ गया हो, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में हो गई हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है। सो काफ़ी चीज़ों की पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे आप दोनों के मिलने की दिखाई दे रही है, बिकॉज़ आप दोनों की जो इमोशंस हैं वो एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ सेम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आप दोनों इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, है ना? हाँ, ये ज़रूर है कि आप दोनों के दिल ऑब्स्टिकल्स जानने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों का जो सफ़र है, आप लोगों का जो ये जर्नी है इस रिलेशनशिप की, वो मुश्किल ज़रूर है, और हो सकता है इस मंजिल के मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस मंजिल का मिलना तो तय है, ठीक है। सो इस इंसान से थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपने मांग ली हैं, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड आपने इससे डिमांड की है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी होल्ड होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है,
राइट। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल के आ गया है लिब्रा तुला राशि। राइट। सो अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब जो भी आपको मिले, जो भी आपके फेवर में वो करें, वो बैलेंस्ड हो, ठीक है। सो ऑनेस्टी के साथ अब वो इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है एक दूसरे के से बात कर पाना, एक दूसरे को समझ पाना, ठीक है। एंड इनको ऐसा लगता है कि प्यार कभी सोच समझ के नहीं होता। सो जहाँ पर लॉजिक्स ख़त्म हो जाते हैं वहीं से प्यार शुरू हो जाता है, राइट। सो आपका दिल भी ऑलरेडी ये जानता है कि इस रिश्ते में डेफिनेटली एक स्टोरी है, एक खामोश स्टोरी है, और इस रिश्ते को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना। एंड यहाँ देखिए कुछ चेंजेस ज़रूर आए हैं आपके पार्टनर के अंदर, उनकी फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। इनको द सन, देखिए द सन का कार्ड आने का मतलब यही है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स इनके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको अभी ऐसा लगता है कि आप तक पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसलिए ये कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं, है ना। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आप, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, और आपको दुखी करना, आपको परेशान करना इनके ऊपर भारी पड़ चुका है, और इनका हाल अभी बहुत ज़्यादा बुरा मुझे दिखाई दे रहा है। बट हाँ, इनको पॉजिटिव होप ज़रूर है और ये चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रगल है, सेवन ऑफ वॉन का कार्ड आया है, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर चल रहा है, थोड़ी सी परेशानियों का सामना ज़रूर आप लोगों को करना पड़ रहा है। बट यहाँ पर देखिए जो आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का, है ना। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल्स आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, बट किसी मजबूरी के चलते आप दोनों ने खुद को रोक रखा है, राइट। एंड इनके इमोशंस की इंटेंसिटी अभी मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा हाई है, इनमें काफ़ी ज़्यादा एक प्यार आपके लिए इनके दिल में आ रहा है ना। एंड देखिए आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो हैं ये, आप दोनों में एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस भी है, राइट। एंड पर ये ऐसे है ना कि ये प्यार को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, है ना। हो सकता है ये आप दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, और ये अपने ऊपर प्यार को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देते हैं, राइट। एंड हाँ, ये भी दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टिकल्स हैं, बट सारी ऑब्स्टिकल्स का सामना करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उनको बहुत अच्छे से ये टैकल करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अभी आप दोनों के लिए ये रिश्ते को निभा पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, डिफ़िकल्ट ज़रूर है, ऑब्स्टिकल्स भी हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनको अब जितनी भी मुश्किलों का एफर्ट्स, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़े, पर आप दोनों का ये जो रिश्ता है, ये रिलेशन है, वो अब ये निभाना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, राइट। सो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ समय का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी पॉसिबल चीज़ें होंगी डेफिनेटली ये आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये जो भी एक्शन प्लान करेंगे आपकी तरफ बढ़ने का, अब उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, राइट। सो अभी कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द आपके पास आएंगे और आपसे कमिटमेंट भी ज़रूर यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रीयूनियन लिखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएं तो डेफ़िनेटली मेडिटेशंस करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद को कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, और जब आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो डिवाइन तक आपकी बातें ज़रूर पहुँचेंगी। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर लिखिएगा, और ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए, ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।